सुपन खारा बहिनी सुपन खारा दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी नखाई सुपन खारा दुष्ट हृदय दारुण जसु अहिनी सुपन खारा रावण सुपन खारा नखारा नखा आई अच्छा बात यह है कि सूर्प नखा सत्संग के बाद आई ये और बड़ी बात आई तो आई सत्संग के बाद आई क्या है कि श्री राम जी और लक्ष्मण जी पंचवटी में निवास कर रहे हैं तब तक श्री लक्ष्मण जी ने कुछ प्रश्न पूछे जो हम सभी ने श्रवण पहले ही कर लिए मैं रुमोर तोरते माया जेहि बस कीन्हे जीव निकाया ये मैं मेरा तुम तुम्हारा यही माया है देश भगवान ने दिया और फिर सूप न खाई देश भगवान ने दिया और फिर सूप न खाई कुछ लोग कहते हैं कि ये पहले ही सूर्पनखा क्यों आई पहले आना चाहिए बाद में आई अरे भाई परीक्षा भी तो पढ़ाई के बाद ही आती है भगवान ने मानो ये परीक्षा ली लक्ष्मण जी की सूर्पनखा आई पंचवटी सो गई एक बारा देख विकल भई जुगल कुमारा क्या बोली जाकर बोली रुचिर रूप धर तुलसीदास जी कहते हैं बोली वचन ये बोली लेकिन बहुत मुस्काई मुस्कुराई ज्यादा और क्या कहना वेश कौन सा सुंदर वेश सुंदर वो है जिस पर भगवान रीझ जाए सहज वेश सहज वेश किसका है इन अयोध्या की देवियों का जो वेश है ये सहज वेश भगवान का जन्म हुआ सभी अयोध्या की देवियों को पता चला तो ये क्या बहुत श्रृंगार करके गई नहीं नहीं रुचिर रूप धरी ये सूर्पनखा रुचिर रूप धरी प्रभु पहुंच जाए लेकिन अयोध्या की देवियां सहज श्रृंगार किए उठी धाई सहज श्रृंगार किए उठी धाई सहज श्रृंगार किए उठ धाए सहज श्रृंगार किए सहज श्रृंगार किए उठी धाई सहज श्रृंगार किए उठ धाए उठ धाए सहज का श्रृंगार सहज श्रृंगार है ये कोई बनावटी नहीं और भगवान इस पे तभी रीझे लेकिन सूर्पनखा ये रुचिर रूप धरी सुंदर वेश बना के गई
बोली बचन बहुत मुस्काई, बोली तो बोली क्या, बोली तुम सम पुरुष, ये प्रभु आपके जैसा कोई पुरुष नहीं। और ये सही बात कही, त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणस्त्वमस्य पूज्यः, आप ही आदि पुरुष हैं। तो ब्रह्मा जी मानो देखने लगे हों कि राक्षसों में जो भगवान की तारीफ कर रहा पहला आदमी दिखा, तो ऐसा लगता है मानो ब्रह्मा जी देखने लगे हों कौन है। सूर्पनखा बोली तुम सम पुरुष, और आगे बोली नमो सम नारी। ब्रह्मा जी बोले अरे सब गड़बड़ कर दिया इसने, हे प्रभु ना आपके जैसा कोई पुरुष है, न मेरे जैसी कोई नारी है, न मेरे जैसी कोई नारी है। और ये संयोग ना आपने ना हमने, यह संयोग विधि रचा विचारी। ये संयोग तो ब्रह्मा जी ने बहुत विचार के रचा है। अब बेचारे ब्रह्मा माथा पीटे कि हमने कब ये सूर्पनखा राम जी का संयोग लिखा। सूर्पनखा ने कहा प्रभु तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। वो बोली क्या बताऊं प्रभु, मम अनुरूप पुरुष जग माही, देखियो खोज लोक त्यों नाही। मैं अपने अनुरूप पुरुष खोजने गई, तीनों लोकों में नहीं मिला। कुछ मन माना है, मन माना कछु तुम ही निहारी। कुछ मन माना कि तुम थोड़ी चल सकते हो। भगवान ने कहा क्या कहना आपका। लेकिन भगवान ने कहा कि देखो सूर्पनखा, हमारा तो विवाह हो चुका है, तुम एक काम करो, मेरा जो भाई है वो कुंवारा है, मेरा भ्राता लक्ष्मण अहई कुंवार मोर लघु भ्राता, ये है कुंवारा। अब यद्यपि लक्ष्मण जी तो कुंवारे नहीं हैं, विवाह हो चुका है, तो राम जी मजाक कर रहे हैं, और ऐसा मजाक कर रहे हैं। सूर्पनखा जैसे तुम कुंवारी हो ना, सूर्पनखा जैसे तुम कुंवारी हो ना, ठीक वैसे ही हमारा भाई भी कुंवारा है। मतलब ना तुम कुंवारी हो ना हमारा भाई, तो झूठ कहाँ बोल रहे हैं राम जी। आई कुंवार मोर लघु भ्राता, सब लोग ध्यान से सुने। दो मित्र, एक का नाम रामू, एक का नाम श्यामू। और रामू श्यामू दोनों बड़े अच्छे मित्र, एक ही कमरे में रहते, एक ही जगह रहा करते। एक दिन श्यामू के मन में सवेरे सवेरे मिठाई खाने का मन हुआ। अब मिठाई मन से थोड़ा ही धन से मिलती है, तो श्यामू ने कहा कि रामू से कि क्या बताएं, मिठाई खाने का मन हो रहा है। रामू ने कहा मन तो मेरा भी है, लेकिन पैसे नहीं है जेब में, क्या करें। तो कहा कि चलो पैसे नहीं खा नहीं पाएंगे, कम से कम देख तो आए मिठाई को। तो सवेरे सवेरे का वक्त, हलवाई जी गरम गरम जलेबियां बना रहे, दूर से देखा सोचा थोड़ा और पास चले जाते हैं। अब मिठाई देख के तो और ना रहा जाए, खुशबू आई नाक तक, तब तो लगा कि अब तो। श्यामू ने कहा सुनो हम तो जाते हैं। अरे पैसा नहीं है तुम्हारे पास, वो पैसा नहीं मांगेगा। कब पैसा कौन पहले मांगेगा, बाद में मांगेगा, जो होगा सो देखेंगे।
श्यामू गया और कहा हलवाई जी जलेबी कैसी दी, आते ही तुम्हें 10 का नोट दिया, 5 वापस करो। हलवाई ने कहा नहीं दिया। अब श्यामू कहे दिया है, हलवाई कहे नहीं दिया है, झगड़ा शुरू। श्यामू कहे दिया है, हलवाई कहे नहीं दिया है। अच्छा रामू चाहता तो भाग सकता था इतने में, लेकिन भागा नहीं, वहीं बैठे बैठे बोला हलवाई जी इस झगड़े में हमारा 10 का नोट मत भूल जाना। अब हलवाई को लगा कि भाई एक का तो भूल सकते हैं, लेकिन दो दो का तो कहीं हमारे ही दिमाग में गड़बड़ी ना हो। तो हलवाई बोला नहीं नहीं तुम्हारा 10 का नोट तो हमें याद है, लेकिन इसने नहीं दिया। बस क्या था, लोग जुड़ गए, झगड़ा बहुत, सब लोग जुड़े, दिया नहीं दिया, दिया नहीं दिया। लोगों ने रामू से कहा रामू सच सच बताओ दिया है कि नहीं, कसम है तुम्हें भाई। रामू ने कहा देखो मुझसे चाहे जिसकी कसम खवा लो, जिसकी सौगंध करवा लो, गंगा जी जमुना सरस्वती शांति देवी, जो जो सबकी कसम खा के कह रहा हूँ कि जैसे मैंने 10 का नोट हलवाई जी को दिया, ठीक वैसे ही श्यामू ने भी 10 का नोट हलवाई को दिया। माने न मैंने दिया न उसने दिया, तो झूठ कहाँ बोल रहा है। भगवान भी तो यही कह रहे हैं, सूपनखा जैसे तुम कुंवारी हो ना, ठीक वैसे ही हमारा भाई भी कुंवारा है। तो रामो दुधिर न भाषते, राम दो बातें कैसे कह सकते हैं, ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान। अब सूरपनखा आई राम जी के पास, पुनि फिर राम निकट सो आई, प्रभु लक्ष्मण वहां बहुरी पठाई। भगवान ने फिर लक्ष्मण जी के पास भेजा, लक्ष्मण कहा तो ही सो बरई जो तृण तोरी लाज परिहरई। और अब सूरपनखा यहाँ से वहां, वहां से यहाँ, तब खिसियानी खिसिया गई, तब खिसियानी राम पह गई, रूप भयंकर प्रकट तब भई। और राम जी ने ऐसा भयंकर रूप देखा, श्री सीता जी को डरा हुआ देखा, सीता ही सभय देख ही रघुराई, कहा अनुज सन सयन बुझाई, लक्ष्मण अति लाघव तही नाक कान बिनु कीन, ताके कर रावण का मनऊ चुनौती तीन। नाक कान काट दिए, नाक कान बिन भई बिकरारा, जन सर्व सैल गेरु के धारा, खर दूसन पहा गई बिल पाता।